निमराना थाना क्षेत्र के मांझरी कला पुलिस चौकी के पास मेवात गैंग के गो तस्करों ने उनके वाहन का पीछा कर रही हरियाणा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में हरियाणा पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवाड़ी कायसा की तरफ से गो तस्करों का पीछा करते हुए हरियाणा पुलिस यहां तक पहुंच गई। घायल पुलिस जवानों को बहरोड के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों के अनुसार दोनों ही जवान खतरे से बाहर हैं। घायल जवान रवि दत्त और रणवीर सिंह के हाथ और पैर में पंजों के अलावा कई जगहों पर छर्रे लगे हैं। घायल जवानों ने बताया कि पिकअप गाड़ी में लगभग 6 से 7 गो तस्कर थे, जो पुलिस की गाड़ी का रास्ता रोकने के लिए गायों को गाड़ी से उठाकर सड़क पर फेंक रहे थे और गाड़ी भी तेजी से भगा रहे थे, पर पुलिस उनका पीछा लगातार करती रही। घायल जवानों से मिलने बहरोड DSP जनेश सिंह तंवर ने भी अस्पताल पहुंचकर जवानों के हाल जाने और उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना के बाद भी थानों की पुलिस ने नाकेबंदी कराकर तस्करों और उनके वाहन का पीछा किया, जिसके बाद मुंडावर थाना क्षेत्र के पदमाड़ा गांव में मुंडावर पुलिस के थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से बदमाशों और वाहन को घेर कर 3 जनों को दबोच लिया। गो तस्करों में वाहन का पीछा करते मुंडावर के पदमाड़ा गांव में पकड़े गए 3 गो तस्करों के नाम शुभा पुत्र रहमान शौकीन उर्फ काला पुत्र इब्राहिम उमर पुत्र हाकिम पकड़ में आए हैं। अभी भी 2 गो तस्कर भागने में सफल रहे, जिसमें राहुल और अनवर में बताए जा रहे हैं। मेवात क्षेत्र के पल्ला व सौंप गांव के ये लोग रहने वाले बताए गए हैं। पकड़ में आए आरोपियों को मुंडावर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। कार्यवाही मुंडावर थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर की टीम ने की। अब घटना को लेकर हरियाणा पुलिस ने नीमराना पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई है। नीमराना पुलिस अब पूरी घटना की जाँच में जुटी है। आज सुबह 5:30 बजे के लगभग इतला मिली कि इतला तो पहले से चल रही थी कि पीछे से हरियाणा पुलिस कोई गो तस्करों को पीछा कर रही है। इस पर अपने माजरी चौकी पर नाकाबंदी की गई। हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर नाकाबंदी कर रहे थे तो एक गाड़ी टाटा 4-7 आई और नाकाबंदी तोड़ती हुई निकल गई, जिसमें फायरिंग हुई तो कुछ छर्रे हरियाणा पुलिस के 2 जवानों के लगे। एक ऐसा ही हो गया उनका यहाँ उनका हालत सही है, खतरे से बाहर है, दर्ज करके कार्रवाई।